Hello, aspirants. I'm Ritesh Shukla, and I'm back with the fourth part of the full paper discussion. And I will be discussing two other questions in this particular video. What we are trying to do through these videos is that we are presenting answer structures for the questions, which most probably these are probable questions. And you may or may not, I would be saying that you may be getting some questions which could be closely or loosely related to the questions that we are putting out. You can look to the content that we are producing here, but the foremost important thing is you will have to understand the answer structure that we are presenting, where we are writing the introduction, where the body part is being used, where the conclusion is used, what all statements should be used, and where certain statements should not be used as far as answer writing is concerned for the UPSC mains. All right, so that all those things are being discussed in all these videos. और साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में या एनवायरनमेंट में या किसी ऐसे सब्जेक्ट में जहां पे आपको अपने आंसर प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा बनाना है, अगर कोई डायग्राम या स्टेटिस्टिक्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उस पर कितना वेटेज हो सकता है. और डेफिनेटली ऐसे अगर क्योंकि डायग्राम्स बनाने से जो वर्ड लिमिट होता है वो अच्छे से आप कवर कर पाते हैं और डायग्राम से आप थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा बना पाते हैं, तो वो जो है ओवरऑल आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करता है. तो दैट इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ ऑल दीज वीडियोस. वी जस्ट वांट दैट व्हेनेवर वी आर ऑब्वियसली एंचिंग क्लोजर टुवर्ड्स द मेन्स एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी 2021, तो अब जो भी आप आंसर वहां पुट आउट करेंगे, हम तो यही थ्रू दीज वीडियोस हम जो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है इससे कुछ ऐसे मटेरियल्स ले पाए, ऐसे मीनिंगफुल चीजें बाहर निकाल पाए जिससे कि आप आपको हेल्प हो पाए मेंस एग्जामिनेशन जब आप आंसर लिखते हो. ठीक है, तो ऑफकोर्स फेचिंग गुड मार्क्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वॉन्ट टू डिलीवर थ्रू दीज वीडियोज. तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ और फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट फुल पेपर डिस्कशन का होगा एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग दी ओवरऑल जीएस 3 पार्ट एंड यू विल बी गेटिंग जीएस 4. ऑलराइट, तो मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ. ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है. ऑलराइट, तो एक्सप्लेन रिहैबिलिटेशन एंड मिटिगेशन प्लानिंग्स ड्यूरिंग डिजास्टर. Identify the different types of rehabilitation. What are the conditions after disaster have occurred and its chances of returning to normalcy? So these are the kind of question ki jab aap padhte hain to aapko ek general idea ho jata hai ki rehabilitation aur mitigation kya ho sakta hai. Aur disaster ke samay jab aisa rehabilitation hum karenge to usme kya kya process istemal hone chahiye, aapko ek general understanding ho jati hai. Lekin agar aapko डिजास्टर, एक पर्टिकुलर डिजास्टर या फिर जैसे कि फ्लडिंग्स हो या अर्थक्वेक हो या फिर वोल्केनोस इरप्शन होने की वजह से कोई अर्थक्वेक अकर कर गया हो, कहीं पे सुनामी अकर कर रहा हो, ये सारी जो डिजास्टर होते हैं अगर उनका स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, जियो जियोग्राफिकल आइडिया नहीं है, तो यू मे बी स्केप्टिकल अबाउट हाउ टू प्रोवाइड एनेक्डोट्स रिगार्डिंग द रिहैबिलिटेशन और मिटिगेशन. ठीक है, आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर हैव अकर्ड एंड व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड. तो जो डिजास्टर प्लान होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, उसके अंतर्गत रिहैबिलिटेशन और मिटिगेशन होता है, और वो रिहैबिलिटेशन व्हेन द डिजास्टर हैज अकर्ड उसके बाद की चीज होती है. तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है और बताना है कि आखिरकार रिहैबिलिटेशन जो है किस किन अलग अलग तरीकों के होते हैं और किन मायनों को ध्यान में रखते हुए रिहैबिलिटेशन करना चाहिए. ठीक है, ये जो है ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. ठीक है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, अलग अलग रिहैबिलिटेशन बताना है, और व्हाट आर द कंडीशंस आफ्टर डिजास्टर्स हैव अकर्ड एंड इट्स चांसेस ऑफ रिटर्निंग टू नॉर्मलसी. अब जो डिजास्टर कहीं अकर कर गया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू माउंट ऑन द मेंटेलिटी, द मेंटल थिंग ऑफ द पीपल देयर. ठीक है, वो तो प्रॉब्लम ऑलरेडी दैट वुड बी क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर पीपल, क्योंकि वो जो है अपने क्लोज वंस को वहां पे लूज कर गए हैं या फिर अपने प्रॉपर्टी है वो लूज कर गए हैं या फिर उनके पास जो एकजुट किया हुआ था पैसा या फिर अगर संपत्ति के हैं ओवरऑल, तो वो जो है वो उनके पास से खत्म हुआ है किसी डिजास्टर की वजह से. तो वो जो मेंटल हैरासमेंट होता है, जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है, उसको पाने में थोड़ा सा टाइम लगता है.
उस सिचुएशन को भी काउंसिल करने के लिए दैट बिकम्स पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो इन सारे अलग अलग तरीके के रिहैबिलिटेशन जो है उनको जो है अलग अलग सोशल रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, फिजिकल रिहैबिलिटेशन, इस प्रकार से अलग अलग टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन में आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि आपको कम से कम एक सर्टेन पर्सपेक्टिव दिमाग में रहे, जिससे कि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर यू कुड शो दैट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग दैट शुड बी पॉसिबली डन। इसके अलावा बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है दैट हैज टू बी डन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर प्रेजेंटेशन है वो किसके अराउंड होगा, वो होगा रिहैबिलिटेशन मिटिगेशन क्या है उसके अराउंड होगा, रिहैबिलिटेशन के कितने प्रकार है उसके अराउंड होगा, और जब नॉर्मलसी पे रिटर्न करना है या फिर जो है जो साधारण जो पहले से जिस प्रकार की गतिविधि चल रही थी वातावरण में उस तक अगर पहुंचना है, नॉर्मल सिचुएशन अगर क्रिएट करना है तो उसमें भी कितना टाइम लग जाता है उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 3-4 पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाएगा एंड विल बी गेटिंग अ परफेक्ट आंसर और डेफिनेटली विल बी फेचिंग गुड मार्क्स फॉर दैट। ऑलराइट, तो आखिरकार रिहैबिलिटेशन, व्हाट इज रिहैबिलिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है, आपने रिहैब सुना होगा, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिहैबिलिटेशन। अब रिहैब कहने का मतलब है कि अगर कोई कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन अपने नॉर्मल टेंडेंसी को छोड़कर किसी और किसी गतिविधि की वजह से उसमें चेंजेस आ गए हैं और वो चेंजेस जो है वो डिजास्ट्रस हैं, दोज आर नॉट द चेंजेस व्हिच हैव हैपेंड नॉट इन अ गुड वे बट इन अ बैड वे, और वो हो सकता है कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट करे, हो सकता है कि वो इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट करे। ऐसे इंडिविजुअल को अगर मैं रिहैब के लिए अगर ड्रग्स को एक एज एन एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई इंडिविजुअल जिसने ड्रग्स ले लिया है, ड्रग्स के आदि हो गया, एडिक्शन हो गया है, तो उनको रिहैब सेंटर्स में, आपने सुना होगा कि रिहैब सेंटर्स में भेजा गया, कई बार न्यूज आते हैं कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल वेर फाउंड विद ड्रग्स एंड दे वेर सेंट टू द रिहैब स्टेशन, ये जो है कई बार न्यूज में आते रहता है। तो कहने का मतलब है कि इफ एन इंडिविजुअल हैज इज एडिक्टेड टू द ड्रग्स, टू द बैड ड्रग्स, एंड इफ those addiction has to be removed or to be eradicated from the individual's mind or the intake जो है उसको खत्म अगर करना है तो उनको रिहैब में सेंड किया जाता है। इस रिहैब में ये जो है अगर ड्रग को लिया जाएगा तो इसमें मेडिकल जो है फैसिलिटीज दी जाती है, अगर ड्रग्स के अलावा अगर मेंटली कोई प्रॉब्लम इनके साथ हो गया है बिकॉज दे आर बींग एडिक्टेड, तो उनको भी जो है कुछ काउंसलिंग दी जाती है। दैट काउंसलिंग इज मेंट टू get this individual on the normal path back to the normalcy। ये normalcy क्या है, यानी कि अपने लाइफ में और भी आगे कुछ चीजें करना है या फिर जो है ड्रग्स के अलावा जो चीजें हैं, जो अपना पैशन है या फिर करियर है या फिर ग्रोथ करने का जो ओवरऑल एक पैराडिगम है उसको कैसे अचीव करेंगे, वो रिहैब के थ्रू इनको जो है बताने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यही कहना है कि रिहैब इज बेसिकली अबाउट ऐसे इंडिविजुअल को जो कि अपने नॉर्मल पैथ से भटककर किसी और रास्ते चले गए हैं, उनको वापस नॉर्मल पैथ पे लाना, दैट इज रिहैब। ठीक है, इसमें हैब वर्ड से आप समझ सकते हैं कि हैबिटेशन है, एंड हैबिटेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एनिमल स्पीशीज। ठीक है, हैबिटेशन तो वही होता है जहाँ पे एनिमल स्पीशीज या तो ग्रुपिंग में रह रहे हैं या पे तो या तो कोई कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल सो दे नीड हैबिटेशन, इसीलिए जो है ग्रुपिंग्स होती है कहीं पर या फिर उस ग्रुपिंग्स में लोग काफी जो है एकजुट होकर रहते हैं एक जगह पर। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, रिहैबिलिटेशन आफ्टर द डिजास्टर, इसका कहने का अर्थ है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा हैवॉक क्रिएट हो गया है जिससे कि ज्यादातर जो कम्युनिटीज है वो डिस्ट्रॉय हो गए, वहां पे जो बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना या फिर जब तक वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो जाते उनके लिए एक टेम्पररी बेस बना देना, दैट इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। दीज रिहैबिलिटेशन आर बेसिकली डन बाई अ स्पेसिफिक फोर्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाई द गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि डिजास्टर्स जो है अनसर्टेन है, कहीं भी अकर कर जाते हैं, तो देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स, देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स एनडीआरएफ टाइप की जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम, उसके टाइप की जो है फोर्स होती है जो कि ऑलरेडी एक्टिव होती है, ताकि वो टेम्परेरी बेस कहीं पे स्टैब्लिश कर दें और उनको जो है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जो कि टेम्परेरी बेस स्टैब्लिश करना, वहां पर संसाधन उत्पन्न करना, दैट इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन एंड दैट इज अ प्राइम पार्ट, द प्राइम जॉब ऑफ द गवर्नमेंट दीज डेज, क्योंकि अब काफी ज्यादा डिजास्टर भी अकर कर रहा है इसकी वजह से। ठीक है, एंड मिटिगेशन प्लानिंग, मिटिगेशन इज ऑल्सो
यू कुड से दैट रिहैबिलिटेशन इज द पार्ट ऑफ मिटिगेशन, क्योंकि मिटिगेशन जो है ऐसे एरिया में जहां पर डिजास्टर अकर कर गया है वहां पे लोगों को सुव्यवस्थित करना, वहां से लोगों को हटा देना, कोई स्पेसिफिक एरिया से उनको बचा लेना, दैट इज पार्ट ऑफ मिटिगेशन। और रिहैबिलिटेशन भी इसका ही पार्ट हो जाता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन इज एक्चुअली अबाउट री पोजिशनिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, जहां डिजास्टर प्रोन एरिया है वहां से अच्छे एरिया में उनको रीपोजिशन कर दिया जाता है, दैट इज व्हाट रिहैबिलिटेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो विल बी टेकिंग द आंसर फ्रॉम हियर, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस आर इंटीग्रल टू डिजास्टर रिकवरी, दे प्रोवाइड अ डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। The two activities, however, do not have similar connotation. Rehabilitation involves restoring local services related to the provision of immediate needs. ठीक है, ये जो necessity है उसको provide करना, that belongs to the rehabilitation. Whereas जो mitigation है, that happens on ground जब disaster occur कर गया है, and within that situation itself, उस समय जो relief provide किया जाता है, that belongs to the mitigation. ठीक है, it implies a systematic return to pre-disaster status. It refers to actions taken in the aftermath of a disaster to enable basic services to resume functioning, assist victims, self-help efforts to repair physical damage, restore community facilities, revive economic activities, provide support for the psychological and social well-being of the survivors. So rehabilitation is actually a long-time process, क्योंकि disaster के बाद ऐसी economic activity automatically जो है create तो नहीं हो जाएगी, उनको थोड़ा time लगता है, business setup करने में time लगेगा, commercial activities सेटअप करने में टाइम लगता है, तो उसके लिए एक टेम्पररी बेस बना देना और टेम्पररी पोजीशन एस्टैब्लिश करना, दैट इज वेरी मच टफ टास्क, आल्सो इट इज अ टाइम टेकिंग टास्क, सो दैट बिलोंग्स टू द रिहैबिलिटेशन। सो यू वुडंट बी सेइंग दैट रिहैबिलिटेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ऑलराइट, नाउ इट फोकसेस ऑन एनेबलिंग द अफेक्टेड पॉपुलेशन टू रिज्यूम मोर और लेस नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ लाइफ। It may be considered as a transitional phase between immediate relief and major long-term development. All right, तो ये जो है larger population के लिए होता है, क्योंकि disasters जो है वो अगर cities के disaster को अगर छोड़ दिया जाए और जो है natural disasters जो अगर करते हैं वहां पे, तो larger population को ही problem हो जाती है। तो having a larger problem, larger population means having larger problem automatically. ठीक है, larger population को reside करना, that is a big problem itself. तो इनको रिहैबिलिटेट करने में जो लॉन्गर टाइम प्रोसेस है वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दैट बिकम्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ठीक है, सिंस सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स प्रोवाइड द कंटूर्स ऑफ अ थोरो रिकवरी प्लान, वी कुड डिड्यूस दैट देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, नेमली फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दीज थ्री ब्रीफली हियर। ठीक है, physical rehabilitation, it includes reconstruction of physical infrastructure such as house, buildings, railways, roads, communication network, water supply, electricity. It also comprises short term and long term strategies towards watershed management, canal irrigation, social forestry, crop stabilization, alternative cropping techniques, job creation, employment generation and environmental protection. ठीक है, तो जो physical rehabilitation है, मैंने बताया कि इसका क्या काम है, एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन द्वारा बनाई गई थी, जो फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज कर दी गई है, उसको जो है, क्योंकि वो जो है, क्योंकि अर्थक्वेक है या फ्लडिंग है या कोई और डिजास्टर अकर कर गया है, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, व्हाटएवर, उनकी वजह से ये जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनको रिपोजिशन करने में, रिहैब करने में, उनको जो है एक पूरी स्थिति, वातावरण बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। तो ये जो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स है, मैंने बताया कि बिल्डिंग्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रेलवेज जो है वो पूरी तरह डिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, रोड्स जो है ब्रेक कर जाते हैं, फट जाते हैं, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है या फिर जैसे पोल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, सेल्स के सेल टावर्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिजास्टर, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज फिजिकल रिहैबिलिटेशन। जब इसको रिपोजिशन किया जाए या फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल रिहैबिलिटेशन। ऑलराइट, देन सेकंड इज सोशल रिहैबिलिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी, बट दिस डिमेंशन इज ऑफन अज्यूम्ड टू बी अ कम्युनिटी फंक्शन, नेग्लेक्टेड इन मोस्ट पोस्ट डिजास्टर प्रोग्राम्स। एज वी आर ऑल अवेयर, डिजास्टर्स कैन रेंडर सम groups such as the elderly, orphans, single parents with young children much more vulnerable to disaster aftermath due to lack of adequate support. ठीक है, अब social rehabilitation क्या है? We do not know that which person is going to demise, which person is going to not be available.
तो वहां पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो एल्डरलीज होते हैं उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर उनके क्लोज्ड वंस जो कि उनसे हो सकता है या फिर काफी उम्र में कम हो या फिर उम्र में ज्यादा हो, वो ऐसे लोगों के डिमाइस को बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाते। और क्योंकि वो जो है ऐसे इमोशनल पैकेट में होते हैं, और जो इमोशनल पैकेट होता है उसकी वजह से जो मेंटल ट्रॉमा है या फिर जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको भी एक प्रकार की काउंसलिंग जो है की आवश्यकता पड़ती है। और जो ये सोशल रिहैबिलिटेशन है वो इस चीज का ही पार्ट है कि जो एल्डरलीज हैं, बच्चे हैं, वेमेन हैं, उनको जो है सही तरीके से सही एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके और जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको जो है कंटिन्यू किया जा सके, दैट इज पार्ट ऑफ सोशल रिहैबिलिटेशन। ठीक है। नाउ साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ लूजिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड द स्कार्स ऑफ ओवरऑल शॉक ऑफ द डिजास्टर इवन कैन टेक मच लॉन्गर टू हील देन द स्टेक होल्डर्स, प्लानर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ, इंटरनेशनल एजेंसीज, कम्युनिटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफन अज्यूम। अब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नो मैटर हाउ मच काउंसलिंग यू डू टू अ सर्टेन पर्सन, इट इज ऑलवेज द इमोशनल इंटेंसिटी, जो इमोशनल इंटेंसिटी होता है उसके वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं पर्सन के माइंड में या हार्ट में। एंड उसको जो है बहुत सारी एजेंसीज या फिर गवर्नमेंटल एजेंसीज जस्ट बाई कम्युनिकेटिंग टू देम, जस्ट बाई सेइंग काउंसलिंग टू देम, बहुत ज्यादा उनको हेल्प नहीं कर पाते। तो ये जो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन है वो भी गवर्नमेंट कोशिश करती है सही करने का, लेकिन ओवरऑल यू नो अबाउट द डिजास्टर्स दैट अकर इन पीपल्स लाइफ, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। ठीक है, कंप्लीट नॉर्मल से तो नहीं हो सकते, लेकिन गवर्नमेंट एक प्रकार से थोड़ा ट्राई करके थोड़ा तो उसको कम करती है। ठीक है, तो दिस इज द साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। नाउ रिटर्निंग बैक टू नॉर्मलसी कंडीशंस, इट शुड आल्सो बी रिमेंबर्ड दैट रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डू नॉट ऑलवेज सेफगार्ड फुल रिकवरी इन द डिजास्टर आफ्टरमैथ, इट मे टेक लॉन्गर टू रिटर्न टू नॉर्मलसी और इन सम सिचुएशन टोटल रिकवरी मे नेवर बी पॉसिबल, इट इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू सजेस्ट अ मॉडल टाइम फ्रेम फॉर रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी स्टेजेस। तो अब नॉर्मलसी में कंप्लीटली अगर कहा जाए कंप्लीटली इस नॉर्मलसी में पहुंच जाए तो दैट दैट कैन नॉट हैपन, क्योंकि डिजास्टर वुड डेफिनेटली टेक लाइव्स एंड लाइव्स कैन नेवर बी ब्रॉट बैक। और जिन इंडिविजुअल्स के लाइव्स में ऐसे क्लोज वंस अगर खत्म हो गए हैं या फिर कोई डिमाइज कर गया है, दैट इज अ वेरी हार्टनिंग थिंग। तो उसको जो है कंप्लीटली रिकवर तो नहीं कर सकते, साथ ही साथ जो फिजिकल डैमेजेस होते हैं उनको भी कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते, उनकी जगह पे नई चीजें बनाई जा सकती है, लेकिन कंप्लीटली रिकवरी करना दैट इज रियली टफ। तो नॉर्मलसी पूरी तरह से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन व्हेन अ डिजास्टर हैज अकर्ड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजास्टर, लेकिन डिजास्टर के बाद पूरी तरह से नॉर्मलसी कर पाना दैट इज अ टफ टास्क। ठीक है, सो विल बी कंक्लूडिंग द आंसर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कम्युनिटी सेंटर्स, डे केयर सेंटर्स, आंगनवाड़ीज, बालवाड़ीज, ओल्ड एज होम्स इज वाइटल पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, देयर हैज टू बी एन एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बिल्डिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वेर एवर इट इज नॉन एक्सिस्टेंट और हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द डिजास्टर, अ रियलिस्टिक रिकवरी प्लान हैज टू टेक नोट ऑफ द सोशल डायमेंशन ऑफ द डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। ठीक है, अब ये रियलिस्टिक रिकवरी प्लान जो है उसमें क्या क्या चीजें जोड़नी चाहिए, जो आंगनवाड़ी के हमारे यहाँ पर वर्कर्स हैं, जो ओल्ड एज होम है, जो डे केयर सेंटर्स हैं। ठीक है, दीज आर सम ऑफ दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर एनजीओज हैं जो कि इस फील्ड में काम करते हैं, और ये सर्टेनली एक्टिव होते हैं वेन एवर जो ऐसे ह्यूमन डिजास्टर में फंसे हुए हैं उनको जो है कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो आंगनवाड़ीज का अच्छा खासा हेल्प किया जा सकता है, ओल्ड एज होम्स का हेल्प लिया जा सकता है, डे केयर सेंटर्स का हेल्प लिया जा सकता है, और देयर हैज टू बी एन एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बिल्डिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वेर एवर इट इज नॉन एक्सिस्टेंट और हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द डिजास्टर। अब जहां पर भी ये चीजें डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं उनको भी रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी इसकी सहायता लिया जा सकता है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो तो वर्क करते ही हैं, साथ ही साथ जो लोकल एसएचजीज हैं उनसे भी ऐसा हेल्प लेके और जो ये डिजास्टर प्रोन एरिया है वहां पर लोगों को और व्यवस्था दी जा सकती है। ठीक है, दिस इज दी ओवरऑल कंक्लूजन, और डिजास्टर से रिलेटेड जो ओवरऑल आंसर होगा मिटिगेशन और रिहैबिलिटेशन को लेके, दिस इज दी दीज आर दी
ओवरऑल आंसर्स, ये परफेक्ट आंसर है, इसमें आपको कहीं पे कुछ ऐसा रिमूव नहीं करना, क्योंकि आप नॉर्मल सी कंडीशंस के बारे में बताते हैं, जो थ्री टाइप्स से अलग रिहेबिलिटेशन उसके बारे में बताते हैं, रिहेबिलिटेशन क्या है उसके बारे में बताते हैं, फाइनली यू आर कंक्लूडिंग द आंसर। सो दिस इज द ओवरऑल परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इसमें कुछ रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। और ये वैसे भी जनरल क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू डिजास्टर ओनली, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को नहीं बताना है, और गवर्नमेंट की जो प्लान्स है, इंडिया की गवर्नमेंट की जो प्लान्स है, उसको भी एज एन एग्जाम्पल ही यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे मिटिगेशन और रिहैबिलिटेशन में गवर्नमेंट की ये स्कीम्स कारगर होती है। ठीक है, अगर आपको और भी बेटर इसको बनाना है तो ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल आंसर। आई विल बी गोइंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, एंड दिस इज रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। Military attacks alone cannot control extremist wings. Does the need of the hour is a combined approach of military and welfare schemes elucidate? तो अब क्या है कि largely जब जो extremist wings हैं, जो internal disturbance create करते हैं, ये extremist wing जब continuously attacks कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अगर करते रहते हैं, तो what happens is government goes full on against them, और वो military tactics पूरी तरह से use करते हैं, और जहां भी forests हैं या फिर जहां भी extremist group जो है reside करते हैं, वहां पर वो complete control करने के लिए वहां पर पूरी तरह से infiltrate करते हैं। तो यहां पर हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि मिलिट्री अटैक्स अलोन कैनॉट कंट्रोल एक्सट्रीमिस्ट विंग्स, एक्सट्रीमिस्ट विंग को मिलिट्री अटैक ही केवल जो है कंट्रोल नहीं कर सकती। कंबाइंड अप्रोच ऑफ मिलिट्री एंड वेलफेयर स्कीम, दोनों ही करना होगा, यानी कि अगर कभी टेरर एक्टिविटी या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अकर कर गई है ऐसे एरिया में जहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रिसाइड करते हैं, वो अगर कहीं पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहां मिलिट्री को उसे रोकना तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसे एरिया में वेलफेयर स्कीम्स की भी आवश्यकता है। तो हम जो है ओवरऑल इसको जो है इस पे पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दिस इज एन एलिसिडेट क्वेश्चन। एलिसिडेशन मतलब होता है कि इस स्टेटमेंट से रिगार्डिंग चीजें प्रेजेंट करना, और उस पर्सपेक्टिव को और थोड़ा एक्सप्लेन करके, ब्रीफली एक्सप्लेन करके, अल्टीमेटली एक कंक्लूजन दे देना कि गवर्नमेंट को या फिर जो लोकल मिलिट्री लीडर्स हैं या कोई, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल पार्ट दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड व्हेनेवर एलिसिडेट इज गिवन। ठीक है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट मिला हुआ है, स्टेटमेंट्स में कई अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैंने कितनी बार बताया है कि वर्ड लिमिट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन कुड बी ऑफ 150 वर्ड्स, या अगर इसे 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में अगर बताया गया है कि 200 वर्ड्स में लिमिट करना है, देन यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट विंग्स, ये एक्सट्रीमिस्ट विंग्स कौन से हैं? तो दोज ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स विथ वेपन हु आर कंप्लीटली अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी और फंक्शनिंग, वो जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इन टुडे सिनेरियो। ठीक है, अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इन आइडियोलॉजी एब्सोल्युटली दे आर एक्सट्रीम इन बीइंग कंप्लीटली अगेंस्ट द स्टेट फंक्शनिंग एंड स्टेट गवर्नेंस। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ज्यादातर ऐसे ही लोगों की ग्रुपिंग होती है जो कहते हैं कि वो हो सकता है किसी प्रकार से गवर्नमेंट की दी हुई जो प्लानिंग है उसके थ्रू बहुत अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन द गवर्नेंस एंड द पीपल लिविंग एट रिमोट एरियाज, इसकी वजह से जो रिमोट एरिया के लोग हैं वो जो है किसी और डायरेक्शन में भटक जाते हैं, एंड दोज पीपल कुड बी गेटिंग ऑन विद द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, क्योंकि ये जो आइडियोलॉग है वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो कि पॉवर्टी रिडन है, जिनके पास जो है बहुत संसाधन उत्पन्न करने की रास्ता नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है या फिर कोई जो है प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे लोगों को वो अपने ग्रुप्स में रख लेते हैं, एंड दे गिव अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ फॉर दीज पीपल, एंड एनी डाउनट्रॉडन इफ इज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, इफ इज नॉट बीइंग पुट इनटू द मेन फ्रेम ऑफ द गवर्नेंस, दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी देयर। ठीक है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का ओवरऑल आइडियोलॉजी है जो कि डाउनट्रॉडन या फिर कास्ट या फिर जो दबे कुचले लोग हैं उनको अपने ग्रुप्स में रखने का। ठीक है, तो दीज आर द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। यहाँ पे कौन से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो सकते हैं? नक्सलाइट्स, ठीक है, माओइस्ट, दीज आर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वेयर एज बिलोंगिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, जबकि इनका जो है मतलब अल्टीमेट जो ओवरऑल विजन या गोल होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोडोज, इनका विजन थोड़ा डिफरेंट है। एनएससीएन, मैंने एक पिछले क्वेश्चन में एनएससीएन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं
इनका केवल आइडियोलॉजी ही एक्सट्रीम नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं है, दे आर ऑल्सो आर्म्ड पीपल. ये आर्म रख के और वो गवर्नमेंट की जितनी भी फंक्शनिंग है या फिर गवर्नेंस के जो भी पार्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंप्लीटली. ये डिस्ट्रॉय करके अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको स्थापित करते हैं और उसके थ्रू जो है वहां पे रूलिंग करते हैं. दैट इज मोस्ट ऑली रिलेटेड टू द नक्सलाइट्स एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द एनसीएन, क्योंकि इन्होंने भी एक फॉरेस्ट में कोई स्पेसिफिक एरिया बना लिया है नागालैंड में या फिर मणिपुर में, कोई छोटे छोटे पैकेट्स हैं और वहां पर ये खुद की रूलिंग करते हैं. ठीक है, गवर्नेंस वहां पर पहुंच भी नहीं पाती और बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू इंडल्ज इन अ मिलिट्री अफेयर, वो ऐसे एरियाज में इन मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं करती है. ठीक है, तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर आंसर. द एक्सट्रीमिस्ट विंग्स आर माओइस्ट और नक्सलाइट्स हु आर बेसिकली ट्राइब्स whose main purpose is they do not want any disturbance in their forest areas. They want to rule themselves, their tribes, and gradually they have developed the feeling of separatism and want to be separated from the mainstream. अब मैंने बताया कि a kind of ideology is developed at a certain place और वहां पर जब नक्सलाइट्स जो है अपने ideology को थोप देते हैं तो ऐसे जो local लोग होते हैं उनको भी केवल नक्सलाइट्स की ही बताई हुई vision को वो समझते हैं कि that is the ultimate goal that has to be achieved और वो जो है एक प्रकार से separatism को बढ़ावा देता है. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड व्हेनेवर लोकल ग्रुप्स आर विद सच एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट के लिए वो प्रॉब्लमैटिक होता है. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट सिंस लॉन्ग टाइम डिस्पाइट वेलफेयर स्कीम्स मच हैज नॉट बीन अचीव्ड रिगार्डिंग मेन स्ट्रीमिंग देम. ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो जो क्लास लो क्लास के लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि दबे कुचले हैं या फिर उनको कहा जाए कि उनको सोसाइटी में शायद अच्छा खासा रेस्पेक्ट या स्टेटस नहीं मिल पा रहा है या एक प्रकार के लेवल पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए गवर्नेंस के जो पार्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने भी एसटीज के लिए एससीज के लिए बहुत सारे स्कीम्स शुरू कर रखे हैं और उन स्कीम्स के थ्रू इनको जो है कंपनसेटरी मनी भी प्रोवाइड किया जाता है, कई सारे अलग अलग सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं. वो जो सुविधाएं हैं हो सकता है इन तक नहीं पहुंच पा रही है और ये जो गवर्नेंस की जो गैप है इन बिटवीन दोज पीपल हु आर डाउनट्रॉडन और गवर्नमेंट के जो फंक्शनिंग मशीनरी है उसका जो है इन तक डायरेक्ट कनेक्ट ना हो पाना, दैट इज बिकमिंग अ बिग रीजन व्हाई दीज पीपल गो टू द एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो दे हैव बीन सप्रेस्ड लॉन्ग थ्रू मिलिट्री एक्शंस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड देयर प्रॉब्लम्स. अब मैंने बताया कि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोकल लोग जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. अल्टीमेटली द मिलिट्री एक्शन व्हिच हैपेंस दैट हैपन कंप्लीटली अगेंस्ट दोज लोकल्स. ठीक है, ये जो क्योंकि जो मिलिट्री एक्शन है वो कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हु आर द लोकल पीपल हु आर द एक्सट्रीमिस्ट एंड हु आर द वंस हु आर जस्ट बीइंग एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. तो मिलिट्री एक्शंस कंप्लीटली गोज अगेंस्ट दोज लोकल हु माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली अबाउट द आइडियोलॉजी दैट इज बीइंग सर्व टू देम. ठीक है, इनको जो है पूरी तरह जानकारी भी नहीं हो सकती है और ये हो सकता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं. तो इसलिए मिलिट्री एक्शन जो होता है वो ऐसे लोकल्स के लिए हो जाता है जो कि हो सकता है बहलाए फुसलाए गए हों या इन्फ्लुएंस किए गए हों एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा. ठीक है, now this issue regained momentum with the recent Maoist attack in Sukma, Kanker, Dantewada district of Chhattisgarh. Now these are most problematic districts. खास करके यहाँ पर जो है नक्सलाइट मूवमेंट्स बहुत होते हैं, यहाँ पे नक्सलाइट्स जो है बहुत ज्यादा उपद्रव भी पैदा करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है नक्सलाइट्स का और ये जो दंतेवाड़ा कंकेर सुकमा एरिया है वहां पे फॉरेस्ट भी काफी घने हैं. तो वहां पर मिलिट्री हालांकि डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट नहीं करती लेकिन जब भी नक्सलाइट्स जो है अटैक करते हैं मिलिट्री जत्थे पर देन दे गो कंप्लीटली अगेंस्ट दीज नक्सलाइट्स. ठीक है, वो ऐसे ग्रुपिंग्स को फिर खत्म कर देते हैं. ठीक है, दिस स्टेट इज वल्नरेबल टू फ्रीक्वेंट नक्सल अटैक्स व्हिच शोज दैट स्टेट हैज नीदर स्ट्रेटजी नॉर क्वालिटी रिसोर्सेज टू हैंडल सच अटैक्स. अब स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना है दैट इज द ओनली थिंग दैट दे आर डूइंग. छत्तीसगढ़ में तो इवन लोकल फोर्स को भी क्रिएट किया गया था, that was Salwa Judum. You don't have to include these things. ये मैं आपको additionally ऐसे बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ये जानकारी हो पाएगी गवर्नमेंट ने कौन कौन से फोर्स जो है इस्तेमाल किए थे. Salwa Judum was a force
which was made out of local people who were earlier part of extremist group. तो क्योंकि ये लोगों को ऐसा आइडिया होता है कि नक्सलाइट्स कहाँ पर रिसाइड करते हैं, कहाँ पर हो सकते हैं, कब वो अटैक करेंगे. तो इसकी वजह से ऐसे लोग जो कि पहले नक्सलाइट्स हुआ रहे होंगे लेकिन अब नहीं है, अब मेन फ्रेम में आ गए हैं, तो उनको ही जो है गवर्नमेंट एक एज अ मिलिट्री फोर्स स्टैब्लिश कर देती है एक ही रीजन में और उनको वेपन्स प्रोवाइड कर देती है कि आप जो है ऐसे एरिया को प्रोटेक्शन दीजिए. ठीक है, सो दैट वॉज सल्वाजुडम एंड दैट हैपेंड इन छत्तीसगढ़. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहा क्योंकि इसके भी बहुत जितने भी फोर्स में लोग थे उनको भी नक्सलाइट्स टाइम टू टाइम खत्म करते चले गए. Thus, it has become the center for Naxal activities and spreading extremist ideology for India. The state seems to have no new idea to fight Naxalism. They are ill-prepared and have not much knowledge of combat design of Maoist. ठीक है, तो overall state के पास जो भी force available है, वो directly Naxalites के against रख देते हैं, rather than creating a mechanism, a kind of mechanism which could infiltrate the Naxalites. और उनके बीच का जो ideology है, उनको खत्म करना, that is not the planning that is being done by the state. ठीक है, ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सारे ही स्टेट्स के साथ है ऑलमोस्ट. ठीक है, पॉलिटिक्स इज आल्सो इन्वॉल्व्ड है. द मैसेज ऑफ माओइस्ट इज वेरी क्लियर विद देयर फ्रीक्वेंट वायलेंट एक्टिविटीज दैट दे कंटिन्यू वायलेंट एक्टिविटीज इफ दे आर नॉट लेफ्ट अनहिंडर्ड. बॉम्बिंग ऑफ मशीन्स, ब्लोइंग ऑफ मशीन्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर शोज दैट दे आर रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन देयर फॉरेस्ट एरिया टू सेव फॉरेस्ट सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज देयर. अब माओइस्ट का ये कहना है कि वो फॉरेस्ट्स में इसलिए डिसाइड करते हैं कि फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं और उस फॉरेस्ट के थ्रू दे वांट टू अर्न समथिंग, दे वांट टू क्रिएट सम रेवेन्यू. इसलिए जब भी मिलिट्री इंटरवेंशन होता है या फिर जो स्टेट की कुछ फंक्शनरी वहां पर जाते हैं तो दे ऑटोमेटिकली अटैक देम. तो ये जो है दोनों के बीच में स्टेट और माओइस्ट या फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ही मैं ओवरऑल कहूंगा कि इनके बीच के जो डिस्कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के बीच में, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एज फार एज अटैक इज कंसर्न. ठीक है, नाउ आई विल बी कंक्लूडिंग द आंसर. एफर्ट्स लाइक फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन बंधु कल्याण योजना, टिल नाउ हैव नॉट शोन एनी इंप्रूवमेंट इन मेनस्ट्रीमिंग दीज ट्राइज. व्हाट वी नीड टुडे इज अ कंबाइंड अप्रोच ऑफ मिलिट्री एक्शन विद जेन्युइन वेलफेयर स्कीम्स एंड देयर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन. वंस दीज एक्सट्रीमिस्ट विल स्टार्ट गेटिंग फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट, दे विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव. अब गवर्नमेंट की जो केवल मिलिट्री टैक्टिस है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि केवल मिलिट्री टैक्टिस से ही नहीं होगा, तो जो गवर्नमेंट की मिलिट्री टैक्टिस है उसके साथ ही साथ वेलफेयर स्कीम भी क्रिएट करना चाहिए. और ये वेलफेयर स्कीम ऐसे लोगों के होना चाहिए जो कि लोकल्स हैं लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं. जब ऐसे लोकल को वेलफेयर चीजें प्रोवाइड होंगी स्टेट द्वारा, देन दे माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दोज आइडियोलॉजीज आर एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज एंड मे नॉट बी वेरी मच हेल्पफुल एज फार एज देयर लॉन्गर लाइव्स आर कंसर्न. ठीक है, इसीलिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन बंधु कल्याण योजना जैसी चीजें जो भी इनिशिएट की गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, और जो जेन्युइन एफर्ट लगाना है स्टेट को, वो हमेशा वेलफेयर स्कीम्स के साथ होना चाहिए. वेयर एज मिलिट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सर्टेन कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज जहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई विल बी वाइंडिंग अप दिस वीडियो. आई विल बी कमिंग अप विद द फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो फुल पेपर डिस्कशन एंड इसके साथ ही मैं लास्ट में दो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा. वो दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप आंसर लिख के और उसको हमें जो है ऐसे पिक में पिक बना के सेंड कर दीजिए जो मेल दिया हुआ है, और जो आप पिक सेंड करेंगे हम उसमें आंसर जो भी है उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपको चीजें चेंज करनी चाहिए, कहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, कहाँ पे स्टेटमेंट्स गलत हैं, कहाँ पे आपको डायग्राम्स इंक्लूड करने हैं, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉब्लमेटिक है, या ओवरऑल आंसर स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करने चाहिए. तो हम जो है उसमें इंस्ट्रक्शंस देके एंड वी विल चेक योर आंसर. दैट इज द ओवरऑल पर्पस of the providing the two questions at the end of the video. All right, so thank you for watching this and stay home, stay safe and keep learning.